डैशबोर्ड को डिजाइन करेंगे टेबलो में, सबसे पहले हम यहाँ पर कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ से वो करेगा न्यू डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड का नेम चेंज करके हम लोग रख देंगे एच आर का डैशबोर्ड, एच आर डैशबोर्ड रख देंगे, ठीक एच आर रख देंगे, ठीक। हम लोग अब क्या करेंगे, बैकग्राउंड को डिजाइन करेंगे। बैकग्राउंड को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आप इसका जो टेबलो का यहाँ पे जो साइज है डेस्कटॉप को वहाँ पर चेंज कर लेंगे, आप जनरली डेस्कटॉप कर लेंगे, अगर आपके में ऑलरेडी फुल साइज है तो आप यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो हम लोग ने डिजाइन डिजाइन किया था, जैसे पावर पॉइंट पर हम लोग ने किया था, इसका बैकग्राउंड को डिजाइन किया था, वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं कैसे हम लोग ने अपना डैशबोर्ड का जो बैकग्राउंड होता है वो कैसे डिजाइन किया था। हमने ये पावर पॉइंट पर ये चीज डिजाइन की थी, अब इसको सेम सेव ऐसा पिक्चर कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे सेव ऐसा पिक्चर क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक हमारे में ऑलरेडी सेव है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इमेज पे क्लिक करेंगे दो बार, और यहाँ पे अपना जो चूज लिखा है यहाँ पे क्लिक करके इमेज जहाँ पे है उसके फोल्डर में जाकर इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको ड्रैग कर देंगे अपने फुल स्क्रीन में, ठीक। देन ये हमारा डिजाइन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो हम लोगों ने ग्राफ बनाए थे, जैसे केपीआई बनाया था, जेंडर बनाया था, डिपार्टमेंट बनाया था, इसको करके हम लोग क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, ठीक। हम लोग केपीआई बनाए थे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ड्रैग करके लेकर आएंगे। अब देखिए जो केपीआई, देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, केपीआई का ये टाइटल है, इस पर क्लिक करेंगे, हम लोग टाइटल को हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके यहाँ करके हम लोग इसको अपने एडजस्ट कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। ये हमारा आ गया। अब जब अगर आपका कभी देखिएगा, कभी कभी क्या होता है बैकग्राउंड विजिबल नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सेटिंग लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वर्कशीट क्या करेंगे हम लोग नन कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, बैकग्राउंड जो पीछे वाला बैकग्राउंड को ले लेगा, बैकग्राउंड हम लोग यहाँ से हटा देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड जो हमारा ग्राफ था उसको करेंगे, जेंडर पर क्लिक करेंगे, जेंडर ग्राफ आ गया। हम लोग उसका टाइटल है, देखिए हमारे इसका क्या है, ऑलरेडी टाइटल डिफाइंड है, टाइटल को हम लोग क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक। अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के बाद इसको हम लोग ड्रैग करके हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। और आप डिजाइन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा जो डिजाइन में ये थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा जो एंगल है उसको काटें, क्योंकि जो कभी कभी क्या होता है इस तरह डिजाइन फंस जाता है, ठीक नहीं आता पूरे तरह। देन उसके बाद हम लोग डिपार्टमेंट करेंगे, डिपार्टमेंट क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट हमारा आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ गया, इसको हम लोग राइट क्लिक करेंगे, हाई टाइटल कर देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक अपने अकॉर्डिंग, ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया। देन हमारा एफ सी था, इस पर क्लिक करेंगे, हमारा एफ सी आ गया, ग्राफ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हाइड कर देंगे, हाई टाइटल कर देंगे। और देखिए इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इसका बैकग्राउंड व्हाइट आ रहा है, तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, और सॉरी फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करेंगे, जो इस जो आइकन बने इस पे क्लिक करेंगे और शीट पे जाएंगे, शीट पे लिखा है यहाँ पे वर्कशीट व्हाइट लिखा, वर्कशीट व्हाइट है तो इसको कर देंगे नन कर देंगे, तो इसका हमारा पीछे का जो जो बैकग्राउंड है वो हट जाएगा, ठीक हटने हट जाएगा, और ये हमारा और अच्छा लग रहा देखने में, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा चार्ट था उसको लेंगे, जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन, तो इस पे क्लिक करेंगे, हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन का ये आ गया। इसमें भी हम सेम वही काम करेंगे, इसका टाइटल को हाइड कर देंगे और इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ कर लेते हैं फिट। फिट करने के बाद इसका हम लोग बैकग्राउंड को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे बैकग्राउंड, इस पर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ लिखा फॉर्मेट, फॉर्मेट पे जाएंगे, देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए वर्कशीट का लिखा है वाइट है, तो यहाँ वाइट बना हुआ है, व्हाइट कलर है, तो इसको कर देंगे नन कर देंगे, हमारा ये पूरा हो गया व्हाइट, जो बैकग्राउंड है वो हट जाएगा, ठीक। और ये और देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक। अब फिर इस पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, जिस पर शीट जाएंगे क्या वर्कशीट चेक कर लेंगे क्या है, आपको जो टेक्स्ट फॉर्म वो भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कॉलम ऑटोमेटिक रे सब कुछ यहाँ पे आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक। देन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की ओर, एजुकेशन फील्ड को क्लिक करेंगे, एजुकेशन फील्ड आ गई, सेम प्रोसेस वही करना है, इसको राइट क्लिक करेंगे, टाइटल को हाइड करेंगे, देन हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक एडजस्ट इसमें देंगे और इसको थोड़ा यहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक है लाएंगे, और उसका कम बैकग्राउंड जो है वो कर देंगे फॉर्मेट को हटा देंगे, बैकग्राउंड को जो है व्हाइट था वो उसको कर देंगे नन कर देंगे, तो हमारा बैकग्राउंड इसको हट के आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप और चेंज कर सकते हैं क्या, जो टेक्स्ट है जी, जो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, ठीक।
यहाँ से आप जो 15 किया है इसको हम लोग क्या करते हैं 12 कर सकते हैं। ठीक, इसका गर्भ जो कलर है वो क्या करते हैं, ब्लैक ग्रीन हम लोग ब्लू कर देते, ब्लू कर देंगे। सेम वर्ड सबका हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग किए थे इसका जो कलर है वो हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक, चेंज सबको ब्लू कर देंगे। ठीक, और बोल्ड कर देंगे। देन सेम प्रोसेस का भी फॉर्मेट करने के बाद हम लोग का इस पे जाएंगे, वर्कशीट पे जाएंगे, और इसका हम लोग क्या करेंगे 12 कर देते हैं। इसको बैकग्राउंड ब्लू कर देंगे, बैकग्राउंड ब्लू या ग्रीन जो आपका देखने में अच्छा लगे वो यहाँ पे कर सकते हैं। येलो अच्छा लग रहा है, येलो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि कलर येलो देखने में अच्छा लग रहा है और विजिबल हो रहा है। ठीक, सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसका कलर क्या कर देंगे, येलो कर देंगे। ठीक, सेम प्रोसेस आप ग्राफ में कर सकते हैं, आप चेंज करके कलरिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और बोल्ड कर सकते हैं। ठीक, देन हमारा जो लास्ट ग्राफ बचा वो चेक कर लेते हैं। लास्ट ग्राफ है हमारे पास, देखिए डिपार्टमेंट जो बाकी एक्स्ट्रा चीजें होंगी उस ग्राफ के साथ उसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे उसको, हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक, देन ठीक, देन हम लोग क्या करेंगे, इटरेशन रेट था इस पर क्लिक करेंगे, इटरेशन रेट हमारा आ गया। इसको हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करेंगे, सबसे पहले इसका हम टाइटल को हाइड कर देंगे, हाइड करने के बाद इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, ये देखिए हम लोग इस पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग बैकग्राउंड को चेंज कर देंगे। फॉर्मेट पे जाएंगे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद क्लिक करेंगे जो जो आइकन बना इस पे, यहाँ वर्कशीट देखिए व्हाइट है तो इसको कर देंगे नन, नन करेंगे तो हमारा ये जो जो वर्कशीट है वो हो जाएगी, उसका बैकग्राउंड हट जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपल तरीका, इस पे टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ वर्कशीट का जो है बैकग्राउंड, पहले सबसे पहले जो टेक्स्ट है उसको क्या करेंगे, येलो करेंगे और उसको बोल्ड करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग बोल्ड करने के बाद इसका जो साइज इसको हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक, बढ़ाने के बाद ये हमारा ओवरऑल ग्राफ बनके रेडी हो गया। ठीक, इसको आप जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी ना उसको आप चेंज कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, इसको हम लोग चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। देन ये हमारा बनके डैशबोर्ड बनके अच्छा सा तैयार हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर को चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी कुछ जो चीज चाहें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम लोग ऐड टेक्स्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट क्या करेंगे, एच आर कर देंगे, फिर हम लोग इसको हम लोग बड़ा कर देंगे और बोल्ड कर देंगे इसका जो एक इसको बोल्ड कर लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग और बड़ा कर 22 कर लेते हैं, क्लिक करेंगे और एच आर का यहाँ पे जो हेडिंग हम लोग यहाँ पे शो करा सकते हैं। ठीक, एच आर जो आप लिखना चाहें वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या होगा, बन के हो गया डैशबोर्ड रेडी। आप इसके अकॉर्डिंग इसके चेंज कर सकते हैं कलर का, और आप चाहें तो इसका डिजाइनिंग का, फॉर्मेटिंग, क्या फॉर्मेटिंग है, क्या बैकग्राउंड, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। डायरेक्टली क्या करेंगे, सीधा क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे आएंगे, आप यहाँ पे रो, कॉलम, कलर, जो हेडर का होगा, प्लेन का होगा, वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लाइन का भी चेंज कर सकते हैं, क्या लाइन लाइन है, लाइन जीरो करनी है कि नहीं करनी है, लाइन लगानी है नहीं लगानी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं।